दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही निया शर्मा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट जमाई राजा सीजन 4 में दस्तक देने जा रही हैं। दोस्तों ये जानकर वाकई में आपको काफ़ी खुशी होगी कि निया शर्मा काफ़ी लंबे समय से जो कि रवि दुबे के साथ में बनी हुई हैं और रवि दुबे के साथ में वो अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हैं। जी हाँ, जल्दी ही वो अपने जमाई राजा के चौथे सीजन में नज़र आने वाली हैं। चौथे सीजन में रवि दुबे, निया शर्मा, अचितिंग कौर, संजय स्वराज यानी ही पूरी ही स्टारकास्ट एक बार फिर से दस्तक देने जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि निया शर्मा और रवि दुबे एक दूसरे के साथ में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और काम के प्रति इन दोनों में बहुत ज़्यादा लगन है, लेकिन जल्द ही निया शर्मा अपने उसी चहीते और अपने सबसे फेवरेट सदस्य यानी रवि दुबे के साथ में फिर से रोशनी पटेल की भूमिका निभाती नजर आएंगी। वहीं सिद्धार्थ खुराना की भूमिका निभाते नजर आएंगे आपके अपने सबसे फेवरेट चहीते सेलिब्रिटी रवि दुबे के साथ में। जी हाँ, रवि दुबे और निया शर्मा की बॉन्डिंग को लोग काफ़ी पसंद भी किया करते हैं और जल्द में ही अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा जब निया शर्मा और रवि दुबे एक दूसरे के साथ में आने वाले प्रोजेक्ट में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अक्सर देखा गया है कि निया शर्मा अपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट की वजह से हमेशा चर्चाओं का विषय बनी हुई रहती हैं और जल्दी ही निया शर्मा अपने उसी रंग रूट के अंदर फिर से नज़र आने वाली हैं और काफ़ी बोल्ड सीन देती हुई नज़र आएंगी निया शर्मा। साथ ही रवि दुबे के साथ में काफ़ी बोल्ड सीन भी देंगी जिसमें कि ऑडियंस के बीच में एक बार फिर से जमाई राजा सीजन 4 का दस्तक होने जा रहे हैं। वहीं निया शर्मा हाल ही में ही देखा गया होगा, आपने देख ही लिया होगा कि निया शर्मा के पास में तो काफ़ी प्रोजेक्ट रहते ही हैं लेकिन वो साइड का काम भी करती हैं, क्योंकि हाल ही में ही निया शर्मा सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 में भी उन्होंने दस्तक दी थी एक मेहमान के तौर पर और वाकई में काफ़ी इंटरटेनमेंट किया था, घर वालों के साथ में काफ़ी मज़े मस्ती भी करती नजर आई थी। साथ ही दोस्तों मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।